शुक्ला निर्देशित फिल्म ऑल इज वेल 21 अगस्त को रिलीज होने जा रही फिल्म में अभिषेक बच्चन, आसिम, ऋषि कपूर और सुप्रिया पाठक जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म के प्रदर्शन के बारे में जानकारी ऋषि कपूर ने ट्विटर पर दी। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, अभिषेक बच्चन के साथ हमारी फिल्म ऑल इज वेल 21 अगस्त को प्रदर्शित होने जा रही है। ऋषि बताते हैं कि एक पारिवारिक फिल्म है और इसका निर्माण भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, श्याम बजाज, वरुण बजाज तथा सह निर्माण अजय कपूर ने किया है। गैंग्स ऑफ वासीपुर, इति गायन और डेढ़ इश्किया जैसी फिल्मों में अभिनय कर चुकी हुमा कुरैशी अब हाईवे से मराठी सिने जगत में कदम रख रही हैं। वह मानती हैं कि फिल्मों में भाषा कोई समस्या नहीं है। हुमा ने यहाँ हाईवे के ट्रेलर और संगीत लॉन्च पर कहा, बतौर एक कलाकार मुझे लगता है कि फिल्मों की कोई जुबान नहीं होती। मैं उत्तर भारत से हूँ, मेरा मराठी सिनेमा से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे फिल्म की कहानी बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने फिल्म करने का मन बनाया। हुमा ने फिल्म के बारे में कहा, उमेश कुलकर्णी मराठी फिल्में बनाते हैं लेकिन उनकी फिल्मों का स्तर अंतर्राष्ट्रीय होता है। हाईवे में हुमा की छोटी लेकिन अहम भूमिका है, इसमें उनके साथ अभिनेत्री जिसका चोपड़ा भी है। कुशाल टंडन को बड़े पर्दे पर देखने के लिए उनके फैंस को अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। बिग बॉस के पार्टिसिपेंट रहे कुशाल ने एक महीने पहले अनाउंस किया था कि वे एक फिल्म करने जा रहे हैं, लेकिन अब खबर है कि फिल्म में अश्लीलता के चलते उन्होंने ये फिल्म करने से मना कर दिया। कुशाल ने एक महीने पहले रोमला नाम की एक फिल्म साइन की थी। फिल्म एक इरोटिक ड्रामा थी जिसमें कुशाल एक सिंगर की भूमिका निभा रही थी, लेकिन इस फिल्म को उन्होंने करने से मना कर दिया। फिल्म में कुशाल के अपोजिट दो हीरोइनें भी थी। इस पर कुशाल टंडन ने ट्वीट भी किया। कुशाल कहते हैं वो एक ऐसी फिल्म से शुरुआत करना चाहते हैं जिसे फैमिली देख सके। उन्हें फिल्म में बहुत ज्यादा अश्लीलता दिखी, इस वजह से वह इस फिल्म से अलग हो गए हैं। अब वह किसी दूसरी स्क्रिप्ट से ही बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी। हाल ही में विद्या बालन को भारतीय सिनेमा में योगदान और देश भर में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के उनके प्रयासों के लिए मानद डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा गया था। अब उन्हें चैपलिन अवतार में पेश किया गया। हाल ही में उन्होंने चैपलिन लाइसेंस का उद्घाटन किया था। यह स्पेशल एग्जीबिशन थी जो चार्ली चैपलिन के सम्मान में आयोजित की गई थी। चैपलिन की स्क्रीन पर 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर विद्या को चार्ली चैपलिन के अवतार में पेश किया गया। डायरेक्टर नीरज घायवान की फिल्म मशान 24 जुलाई को रिलीज हो रही है। फिल्म में मुख्य भूमिका में ऋचा चड्ढा है। ऋचा अपनी अपकमिंग फिल्म मशान की ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट में पहुंची। कांस फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड अपने नाम कर चुकी इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्चिंग इवेंट पर एक्ट्रेस श्वेता त्रिपाठी, विक्की कौशल, संजय मिश्रा के साथ फिल्म के डायरेक्टर नीरज घायवान मौजूद थे। हाल ही में हुए 68वें कांस फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म की स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां फिल्म मशान ने 2 पुरस्कार जीते।